नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि मुझे कन्वेनर भी नहीं बनना है। देखिए, अपने समर्थकों से नारा लगवाते हैं देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। इच्छा तो सब कुछ है, लेकिन वो तो उनके सपने को लालू जी ने ही चकनाचूर कर दिया। लालू जी ने तो राहुल गांधी को दूल्हा घोषित कर दिया पिछली बैठक में। अब लालू जी क्यों चाहेंगे कि नीतीश कुमार संयोजक बने या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने? वो अपने सहयोगी दल को क्यों मजबूत होते हुए देखना चाहेंगे? अगर कल नीतीश कुमार मजबूत होंगे तो लोकसभा चुनाव में ज़्यादा टिकट मांगेंगे। अभी उनके 44 MLA हैं, उनको 10 लोकसभा से ज़्यादा की सीट नहीं मिल सकती है। और कन्वेनर बन गए तो दबाव बनाएंगे 15-16 के लिए, तो लालू यादव क्यों चाहेंगे? और फिर कांग्रेस क्यों चाहेंगे? लालू जी ने तो कह दिया कि कोई एक कन्वेनर नहीं होगा, दो दो तीन तीन राज्यों को मिलाकर कोई एक कन्वेनर होगा। ऐसी स्थिति में अगर नीतीश जी को कन्वेनरशिप मिलता भी है तो उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए, उनके लिए अपमानजनक होगा। और वो चाहते जरूर हैं, लेकिन कोई स्थिति नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। अभी देश के एक बड़े मीडिया हाउस ने सर्वे किया और उसमें पाया कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई है तो राहुल गांधी है। नीतीश कुमार का तो दूर दूर तक कोई नाम नहीं था, उनसे ज़्यादा तो ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल को लोग चाहते थे कि वो विपक्ष के उम्मीदवार बने। और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में भी अंतर 50 पॉइंट का अंतर है। तो इसे देखिए, कोई घोषित हो जाए या न घोषित हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2024 में लोगों ने मन बना लिया है, लोग कोई कमज़ोर प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं, कमज़ोर सरकार नहीं चाहते हैं, लोग एक मजबूत प्रधानमंत्री, एक मजबूत सरकार चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।